अनबिलीवेबल, अ वेरी हेल्दी मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी हमें रिक्वेस्ट मिले थे अबाउट हर्बललाइफ न्यूट्रिशन के फूड सप्लीमेंट का, जिसका नाम नाइटवर्क्स है। इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्या न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके के बेनिफिट्स हम देख सकते हैं जब इसको हम अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं, सो क्विकली हम इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इन्फॉर्मेशन हम स्टार्टअप करते हैं समझने के लिए हर्बललाइफ न्यूट्रिशन के नाइटवर्क्स के बारे में। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ओवरव्यू के ऊपर अगर फोकस करें तो नाइटवर्क्स का जो फूड सप्लीमेंट है गाइस, ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसमें LRG9 का न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे मात्रा में हमें मिल जाता है, जो हमारे शरीर में रात के समय नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। रिसर्चेस एंड स्टडीज में ऐसा सामने आया है, LRG9 हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में मदद करता है, जिसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन करे। इस प्रोडक्ट की एक और ओवरव्यू पे कंसिडर करें तो इस प्रोडक्ट पे हमें विटामिन सी, विटामिन ई एंड फॉलिक एसिड, इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छे मात्रा में देखने में आते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हम न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे। ये जो सप्लीमेंट है गाइस, ये पाउडर फॉर्म का सप्लीमेंट है। पर सर्विंग में हमें 10 ग्राम का न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और टोटल नंबर ऑफ सर्विंग इस कैनिस्टर का देखें तो 30 है। सो क्विकली हम इस चीज़ का एनर्जी व्यू, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा के बारे में गौर करेंगे। सो पर सर्विंग हमें जो 10 ग्राम अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रिएंट्स या उसके अमाउंट मिल जाते हैं, इसमें एनर्जी का कंटेंट हम देखें पर सर्विंग तो 10 कैलोरीज का पर सर्विंग है इसमें। प्रोटीन की मात्रा पर सर्विंग अगर हम गौर करें तो 0% का प्रोटीन हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो 2.5 ग्राम का कार्ब्स हमें पर सर्विंग में मिल जाता है। फैट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैट जो हमें मिलता है अमाउंट वाइज, ये 0 ग्राम का फैट हमें मिल जाता है पर सर्विंग। फॉलिक एसिड, इस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा, फॉलिक एसिड अगर हम देखें पर सर्विंग तो फॉलिक एसिड हमें 100 माइक्रोग्राम का फॉलिक एसिड मिल जाता है, जो हमारे दिन भर की 83% की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई हमें 23 मिलीग्राम्स मिल जाता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो 7.5 मिलीग्राम हमें मिल जाता है, जो फुल डे की हमारी रिक्वायरमेंट 75% को फुलफिल करता है। LRG9 की हमने बात करी थी, इस प्रोडक्ट में हमें LRG9 बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है। पर सर्विंग 10 ग्राम्स में हमें LRG9 4 ग्राम्स मिल जाता है। L-taurine की अगर बात करें तो 0.18 ग्राम हमें मिल जाता है। अल्फा लाइपिक एसिड की अगर हम बात करें तो 13 मिलीग्राम का पर सर्विंग का कंटेंट हमें पर सर्विंग में देखने में आता है। आगे इस सप्लीमेंट की अगर हम की बेनिफिट्स और उसके इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि कैसे हमें यूज़ करना है, तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले हम की बेनिफिट्स के बारे में गौर करेंगे गाइस। की बेनिफिट्स में जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया, इस सप्लीमेंट में हमें LRG9, L-taurine और असेंशियल विटामिन की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। LRG9 हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में मदद करता है, जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। इसमें बहुत ही अच्छे मात्रा में हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाते हैं, विटामिन सी के तौर पे, विटामिन ई के तौर पे एंड इवन फॉलिक एसिड के तौर पे। आगे इस सप्लीमेंट की अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें, इसे कैसे यूज़ करना है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में भी हम गौर करेंगे। सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस यूजेज के। इस चीज़ का सप्लीमेंट स्टार्टअप करने से पहले ये कैनिस्टर को आप अच्छे से शेक कर लें, ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटल ना रहे। पर सर्विंग जैसे मैंने आपको बताया 10 ग्राम का हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। वन स्कूप आप इसे यूज़ कर सकते हैं वाटर के मीडियम में या जूस के मीडियम में, जिसका लेवल 240 ml होना चाहिए, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस चीज़ का सेवन आप रात के समय करें, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। स्पेशल इंस्ट्रक्शन के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप ये कैनिस्टर ओपन कर रहे हैं तो मेक श्योर करें यूज़ करने के बाद इस कैनिस्टर को अच्छे से क्लोज कर लें, और ये
ये प्रोडक्ट को विद इन 30 डेज आप कंप्लीट कंज्यूम कर लें। आगे हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में स्टडी करें तो आप देख सकते हैं इस चीज़ का की इंग्रेडिएंट्स के तौर पे एल आर्जिनाइन हमें देखने में आ रहा है, एल टॉरिन है इसमें, कैल्शियम एस्कॉर्बेट भी देखा गया है इसमें, अल्फा लाइपिक एसिड की मात्रा इसमें बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, फॉलिक एसिड का भी इंग्रेडिएंट इसमें लिया गया है। आगे इस सप्लीमेंट के डिस्क्लेमर की बात करें तो आप इस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, ये जो सप्लीमेंट है ये चिल्ड्रंस के कैटेगरी के लिए रिकमेंडेड नहीं है गाइस। प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन अगर ये सप्लीमेंट के बारे में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल फिजिशियन से पहले कंसल्ट करें। एंड हर्बलाइफ का जो सप्लीमेंट है ये कोई भी बीमारी को ट्रीट या डायग्नोस करने के लिए नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए फूड सप्लीमेंट है। हर्बलाइफ नेटवर्क एक FSSAI मार्क्ड फूड सप्लीमेंट है, ये एक वेजिटेरियन प्रोप्राइटरी फूड है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का। सो दिस इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट हर्बलाइफ नेटवर्क्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो उसे जरूर से शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन यू डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। हैव अ नाइस डे।